हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज का हमारे वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्लिपकार्ट की एक ऐसी टिप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में ज़्यादातर सेलर नहीं जानते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टिप है ये सेलर को पता होनी चाहिए, हर ई कॉमर्स मैनेजर को पता होनी चाहिए। क्योंकि लिस्टिंग के टाइम पे जब हम अपने प्रोडक्ट का डायमेंशन डालते हैं तो उस डायमेंशन को हमें सही तरीके से डालना चाहिए, क्योंकि वो जो डायमेंशन होता है वो अगर आप गलत तरीके से डालते हो तो आपको उसके लिए ज़्यादा शिपिंग चार्ज भी देना पड़ सकता है। उसका एक उदाहरण मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने दो जो मेरे ऑर्डर्स हैं उनके पेआउट के स्क्रीन शॉट शेयर किए हैं। एक स्क्रीन शॉट के अंदर आप देख सकते हैं कि सेल प्राइस हमारा 449 है और उसका हमारे को पेआउट 292.94 रुपीज़ मिला है, और जबकि हमारे दूसरे स्क्रीनशॉट के अंदर हमारा सेम ही प्राइस है 449 और हमें पे आउट मिला है 321.26 रुपये का। तो ये दोनों डिफरेंस किस लिए हुआ, तो उसी चीज़ के बारे में आज का हमारा वीडियो है। तो वीडियो में एंड तक बनी रहेगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो डिफरेंस आया है दोनों का, वो डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि हमारा जब कोई भी प्रोडक्ट हमारा सेल होता है तो फ्लिपकार्ट हमारे को उस पर कमीशन और शिपिंग चार्ज GST वगैरह चार्ज करता है। तो 499 तक के जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर हमारा कोई शिपिंग चार्ज हमारा कोई कमीशन लगता नहीं है। तो कमीशन नहीं लगता, बट हमारा उसका शिपिंग चार्ज लगता है। तो शिपिंग चार्ज लगता है वेट के अकॉर्डिंग, वेट जैसे 0 से लेकर और आपके 500 ग्राम तक का अगर वेट है तो उसके ऊपर हमें 65 रुपीज़ शिपिंग चार्ज फ्लिपकार्ट चार्ज करता है, और अगर आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक है तो उसके ऊपर हमारा अलग शिपिंग चार्ज चार्ज करता है। तो अपने जो फ्लिपकार्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 500 ग्राम के अंदर होते हैं तो हमारे उसके ऊपर 65 रुपीज़ शिपिंग चार्ज लगता है। तो इसी तरीके से आप ये दोनों स्क्रीन शॉट्स के अंदर देख सकते हो कि एक के अंदर तो हमारा 65 रुपीज़ शिपिंग चार्ज लगा है और एक के अंदर लगा है हमारा 89 रुपीज़, जबकि हमारा ये प्रोडक्ट की प्राइस सेम है और इस प्रोडक्ट का वेट भी सेम है, फिर भी हमारा इसके अंदर दोनों का अलग अलग शिपिंग चार्ज लगा है। तो इन दोनों की लिस्टिंग की जो स्क्रीन शॉट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने इनका वेट जो है वो 250 ग्राम तक ही रखा है, वो दोनों के अंदर ही दोनों का 250 ग्राम है, बस हमारा जो पैकेज डायमेंशन है उसके अंदर कुछ डिफरेंस है। तो आज का हमारा वीडियो इसी के ऊपर है कि जो तरीके से फ्लिपकार्ट कैलकुलेट करता है उसी के बारे में हम जानेंगे। तो फ्लिपकार्ट जो है वो हमारे से दो तरीके से वेट का करता है, जैसे एक्चुअल वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट। तो एक्चुअल वेट अगर ज़्यादा होता है तो वो एक्चुअल वेट के हिसाब से पेमेंट चार्ज करेगा, अगर वॉल्यूमेट्रिक वेट ज़्यादा होता है तो वॉल्यूमेट्रिक वेट के हिसाब से वो हमारे को चार्ज करेगा। तो जो एक्चुअल वेट होता है वो तो आप अगर 500 ग्राम से नीचे अगर प्रोडक्ट भेज रहे हो तो वो एक्चुअल आपका 500 ग्राम ही रहेगा, बट वो जो वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है वो डिफाइन करता है जब आप लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग के टाइम पे जो आपने जो डिटेल डाली है, वेट डाला है, उसके अकॉर्डिंग आपका का वॉल्यूमेट्रिक वेट कितना निकलता है उसके ही अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट आपसे प्रोडक्ट चार्ज करता है। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है, तो वॉल्यूमेट्रिक वेट का एक फ्लिपकार्ट का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है LBH। LBH के अंदर क्या होता है, वो आपके प्रोडक्ट को LBH जो आपने लेंथ ब्रिथ और हाइट वो दी है उसके अकॉर्डिंग वो उसके वेट को कैलकुलेट करता है। पहले हम एक लिस्टिंग का वॉल्यूमेट्रिक वेट जानते हैं जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिया हुआ है, आप दिख रहा है। तो इस लिस्टिंग में आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है यानी जो हमारा पैकेज की डिटेल है वो हमने डाल रखी है लेंथ 33, ब्रिथ 3 और हाइट में डाल रखी 33। तो इसका वॉल्यूमेट्रिक फॉर्मूला फ्लिपकार्ट किस तरीके से कैलकुलेट करेगा, तो वो इस तरीके से करेगा L×B×H/5000, यानी 33×3×33 हमारे इक्वल्स टू हो गए 3267। इसके अंदर वो 500 का पाएगा तो हमारा ये वेट निकल के आता है 0.6534, यानी कि ये आपका 500 ग्राम से ऊपर हो गया। तो इस प्रोडक्ट का वॉल्यूमेट्रिक वेट हमारा 650 ग्राम हो गया, तो आपको फ्लिपकार्ट 89 रुपीज़ चार्ज करेगा। अब आपको लिस्टिंग का स्क्रीनशॉट देखता हूँ, तो आप इस स्क्रीनशॉट में देखिए कि हमने लेंथ डाल रखी 33, ब्रिथ 2, हाइट 30। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 33×2×30 इक्वल्स टू हो गया हमारा 1980, इसमें डिवाइड बाई 5000, तो हमारा ये निकल के आया है 0.396, यानी कि 500 ग्राम के अंदर। तो इसका हमारे को जो फ्लिपकार्ट चार्ज करेगा 500 ग्राम के अंदर का चार्ज करेगा, जो कि हमारा 65 रुपीज़ चार्ज करता है। तो अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करो तो उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट एक बार हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए, ताकि जिससे आपको ज़्यादा शिपिंग चार्ज पे करना नहीं पड़े और आपका जो पे आउट है वो सही आए, जिस हिसाब से आपने कैलकुलेशन लिए उसी हिसाब से आपका
पे आउट आए। तो फ्रेंड्स यही थी हमारी आज की फ्लिपकार्ट की जो इम्पोर्टेंट टिप थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से आपके लिए ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो अगर आपको